माय चैनल और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकते हैं, वो भी आज ही आज कल नहीं। आप ही में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन नहीं दबाओगे तो आधा काम हो जाएगा, ना आपको खबर पड़ेगी मेरे वीडियोस की और ना आप देख पाओगे। सो हाँ, बेल बटन को हिट कर देना, लाइक कर देना और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों को मर्दाना कमजोरी का बहुत मसला होता है और वो शर्म के मारे किसी को भी नहीं कह सकते, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसकी यूज़ से आपके सारे मसले इसी एक ही चीज़ के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, और आज जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने वाली हूँ मर्दाना कमजोरी का इलाज, आज ही घर पर कल नहीं, आज ही आप स्टार्ट कर लें, इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखेंगे और आप लोग खुद फीडबैक देने पर भी मजबूर हो जाएंगे, इतना अच्छा नुस्खा है। व्यूअर्स, क्या आपका अज़ू ढीला और कमज़ोर है और आप इसे लंबा, सख्त और ताकतवर बनाना चाहते हैं? ये मैं आप लोगों को जो मर्दाना कमज़ोरी थी उनके इलामात बता रही हूँ। क्या आपका अज़ू मश जनी और बचपन की गलत कार्यों की वजह से टेढ़ा और छोटा हो गया है और आप इसे दोबारा कुदरती वापस लाना चाहते हैं? क्या आप अपने अज़ू की लंबाई में 3 से 4 इंच का इजाफा करना चाहते हैं? क्या आप ताकतवर मर्दों जैसे लंबी सेक्स टाइमिंग और अपने मादे को गाढ़ा करना चाहते हैं? इसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के ये जो मसाइल हैं, जो अलामात मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनको ख़त्म कर देगी एक चीज़ की वजह से। मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं? आजकल इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से हर बंदा मश्त जनी में मुब्तला है, जिसकी वजह से अज़ू ख़ास की रगें ख़त्म हो जाती हैं और अज़ू ख़ास में खून की रवानगी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत हो जाती है, जिसमें ढीलापन, नफ्स का छोटा होना, अज़ू ख़ास का टेढ़ा होना वगैरह। और जो मैं सुपर मैजिक ऑयल के बारे में बता रही हूँ, ये कैसा काम करेगा? ये ऑयल नस की लंबाई में 1 से 4 इंच तक इजाफा करेगा, ये ऑयल नस की मोटाई में 1 से 2 इंच तक इजाफा करके नस को सख्ती देगा, ये ऑयल नस के पटों को ताकत देकर उसको लोहे जैसे सख्ती देगा, ये ऑयल नस की बंद रगों को खोलकर खून की फराहमी को बेहतर से बेहतर बनाएगा, ये ऑयल नफ्स को बेपनाह ताकत देकर मर्दाना टाइमिंग में बेइंतहा बेपनाह इजाफा करेगा, ये ऑयल मश्त जनी की वजह से कोई हुई ताकत को बहाल करेगा। तो ये सारी चीज़ें, अलामात, वजूहात और ये कैसा काम करेगा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है जिससे आपके सारे मसाइल
ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग भी इंतज़ार करेंगे कि लाइबा सारी चीज़ें तो बोल रही है, पर वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में वो लास्ट में बताएगी। आप लोगों ने लेना है जैतून ऑयल। आपको ये भी पता है कि जैतून में शिफा है, और जैतून जो है वो हर बीमारी का इलाज भी है, जैसे शहद। जैतून को खाया भी जाता है और जैतून ऑयल को एक्सटर्नली इसको यूज़ भी किया जाता है। तो आप लोगों ने रात को सोने से पहले जैतून ऑयल को लेकर अपने नफ्स पे मालिश करना है। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि सख्ती से मालिश ना करें, टाइट मालिश ना करें, क्योंकि इसमें जो वेंस होती हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं। आप लोगों ने प्यार से नफ्स को जैतून तेल के साथ, नफ्स पे जैतून तेल के साथ मालिश करना है। आप लोग ये मुसलसल यूज़ कर लें, तकरीबन 1-2 महीने तक यूज़ कर लें, आपके इंशाल्लाह ये जो मैंने जितनी बातें की हैं इनमें से कुछ ना कुछ मसाइल का तो हल आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो आप लोगों ने ट्राई लाजमी करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है। मेरे पिछले वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हजरात ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।